Assalamu alaikum students, welcome to the English lecture. Today, as you all know, we are going to continue our lesson of unit number 11, that is noise in the environment. We had done first two paragraphs with us. Today we are going to continue with paragraph number 3. Let me mention page number. This is page number 112. Paragraph C, page number 112. जी बेटा, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसकी वोकैबुलरी नोट डाउन कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन वर्क. जी बेटा, स्टार्टिंग विद मेजर कॉज, फर्स्ट वर्ड जो आपको बेटा नजर आ रहे होंगे वो है मेजर कॉजेज. मेजर का मतलब बड़ी, कॉजेज मीन वजूहात, तो ये हो जाएगा बड़ी वजूहात. बड़ी वजूहात. इसके बाद देखिए बेटा, नॉइस पॉल्यूशन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, शोर की आलूदगी. नाउ बेटा, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन जैसे कि आपको पता है तामीर को कहते हैं, और साइट का मतलब जगह, तो हम तामीर होने वाली जगह या आप इसे तामीराती मकामात कह सकते हैं. तामीराती मकामात. केयरलेस, लापरवाह या केयरलेस एक्शन है बेटा इधर. लापरवाही के काम, या हम इसे लापरवाही के अफाल कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बिजली से चलने वाले आलात, या हम इसे बर्की आलात कहेंगे, बर्की आलात. लाउड स्पीच पैटर्न बेटा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लाउड स्पीच पैटर्न. लाउड स्पीच पैटर्न. लाउड बुलंद आवाज में या ऊंची आवाज में, स्पीच तकरीर या गुफ्तगू को कहते हैं, और पैटर्न का मतलब तरीका, मतलब बुलंद आवाज में गुफ्तगू का तरीका, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बातचीत करना, या आप इसे बुलंद तर्ज़े तकरीर कह सकते हैं. बुलंद तर्ज़े गुफ्तगू या तर्ज़े तकरीर, चलिए हम गुफ्तगू कर लेते हैं, बुलंद तर्ज़े गुफ्तगू. मोड्स, जराए, जरिया की जमा जराए. व्हीकल्स बेटा गाड़ियों को कहते हैं, एयरप्लेन्स हवाई जहाज, ट्रेन्स को हम रेलगाड़ियां कहेंगे, शिप्स बहरी जहाज. प्रूफ जैसे आपको पता है बेटा साबित होना. स्ट्रेसफुल,
परेशानी का बायस या परेशानी की वजह स्ट्रेसफुल ह्यूमन कम्युनिटीज बेटा। ह्यूमन कम्युनिटीज मीन्स इंसानी आबादियां, इंसानी आबादियां ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ आबादी में इजाफा, डेवलपमेंट बेटा डेवलपमेंट से मुराद तरक्की है, डेवलपमेंट तरक्की, अर्बन एरियाज, अर्बन शहरी को कहते हैं, अर्बन एरिया से मुराद शहरी इलाके, इसके बाद है बेटा व्हीकुलर ट्रैफिक, आपको पता है गाड़ियों का ट्रैफिक, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का ट्रैफिक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है बेटा कई गुना ज्यादा हो जाना, जैसे आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो उसकी वैल्यू उतने गुना ज्यादा हो जाती है, तो मल्टीप्लाई मींस कई गुना ज्यादा होना। Given rise means बढ़ा देना, immense immense means शदीद या बहुत ज्यादा, शदीद या बहुत ज्यादा, लार्जली ज्यादातर, फॉर्म बेटा फॉर्म शक्ल को कहते हैं, शक्ल अनवॉरेंटेड हॉकिंग, हॉकिंग हॉर्न बजाने का मतलब ऐसे हॉकिंग कहते हैं बेटा, अनवॉरंटेड जिसकी इजाजत ना हो आप इसे गैर मजाज, और हॉकिंग का मतलब बेटा हॉर्न का इस्तेमाल मशरूम ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मशरूम ग्रोथ,
बहुत तेजी से इजाफा। मशरूम जिस तरह बेटा खुम्बी को कहा जाता है, जिस तरह वो बहुत तेजी से एक खुद रॉप होता है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो मशरूम ग्रोथ का मतलब कि मशरूम की तरह बहुत तेजी से बढ़ना या बहुत तेजी से इजाफा। रेजिडेंशियल कॉलोनीज, रेजिडेंशियल बेटा कॉलोनीज रिहायशी आबादियां एक्सपोज जाहिर होना, रेजिडेंस मीन्स रिहायशी, परमानेंट मुस्तकिल, परमानेंट मुस्तकिल अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मीन्स बेटा जिसे अवॉइड ना किया जा सके या जिससे बचा ना जा सके, सोर्स आपको पता है बेटा जरिया को कहते हैं, ठीक है बेटा। ये थी वोकैबुलरी इस चैप्टर की, इस पैराग्राफ की सॉरी, यूनिट 11 पैराग्राफ नंबर 3। इसको बेटा बुक पे आप साथ साथ नोट कर लेंगे ताकि जब भी आप बुक निकाल के देखें तो ये वोकैबुलरी आपके सामने। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ। The major causes of noise pollution in Pakistan. Pakistan में शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात are road traffic, सड़कों पे चलने वाला traffic, construction sites, तामीराती मकामात, careless use of electronic appliances, बरकी आलात का लापरवाही से या बेदरेगी से इस्तेमाल, and loud speech patterns और बुलंद तर्ज़े गुफ्तगू। नॉइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए से आने वाला शोर, व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, ट्रेन्स, रेलगाड़ियों, शिप्स, बैरी जहाज़ों, प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज, इंसानी आबादियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होता है या परेशानी का बायस बनता है। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफे के साथ, एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज और शहरी इलाकों में तरक्की के साथ, द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज आल्सो मल्टीप्लाइड, गाड़ियों का ट्रैफिक भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। This has given rise to immense noise pollution. इसने शोर की बहुत ज़्यादा या शदीद शोर की आलूदगी को बढ़ा दिया है या बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, largely in the form of unwarranted honking by drivers,
ज्यादातर ड्राइवरों की तरफ से हॉर्न के गैर मजाज इस्तेमाल की शक्ल में ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज इसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशंस के करीब हैज़ एक्सपोज रेजिडेंट्स रिहायशियों को जाहिर कर दिया है टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन मुस्तकिल और एक ऐसी शोर की आलूदगी पर जिससे बचा नहीं जा सकता। बेटा ये था पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 आज हमने किया इसको आज का लेसन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं बेटा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम पैराग्राफ नंबर 4 और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। थैंक यू टिल देन अल्लाह हाफिज़।